एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग सो गाइज आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वांगसन वन शॉट एफ एफ लेकर आई हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्टोरी में ले कर आऊँगी जिसमें वी के फाइव बेबीज़ होंगे सो so ये एफ एफ वही है और इस एफ एफ का नाम दिस इज़ माई फैमिली इस, इस स्टोरी का नाम है ओके ये एक मॉडर्न वांगसन फैन फिक्सन है ओमेगा वर्स है इसमें वांग जी टॉप है साथ ही साथ वो एक अल्फ़ा है और विंग एक बॉटम है साथ ही साथ वो एक ओमेगा है ओके और हाँ ये स्टोरी का आइडिया जो है ये मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है फरजाना उसने मुझे दिया था इसका आइडिया और उसने कहा था कि इस टॉपिक पर एक स्टोरी बनाने के लिए सो so, आज मैं वो स्टोरी लेकर के आ गई हूँ आई होप कि आप लोग को पसंद आए और आई होप फरजाना तुम्हें भी ये स्टोरी पसंद आए बिकॉज मैं इसे थोड़ा सा अपने अंदाज में लेकर आ रही हूँ सो so, हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊँगी स्टोरी लाइन्स बिकॉज ये एक वन शॉट है तो आप लोग स्टोरी सुनिए और इस स्टोरी को इन्जॉय कीजिए और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा सो so, हम आगे बढ़ते हैं so, सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमें हाँ एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में विंग जो कि हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड है और वो एक ओमेगा है वो हॉस्पिटल बेड में दर्द लेबर पेन से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और डॉक्टर जो कि उसका वो कर रहे हैं डिलीवरी कर रहे हैं बिकॉज विंग प्रेग्नेंट है विंग का किसी स्टेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था जिसके कारण से वो अभी प्रेग्नेंट है और वो अभी अपने बेबीज़ को बर्थ दे रहा है डॉक्टर्स विंग के बेबीज़ को आ, वीन के बेबीज़ को बर्थ दिलाते हैं उसका ऑपरेशन करके निकालते हैं बेबी को उसके बेली से तो एक डॉक्टर बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हें तो एक बॉय हुआ है तो दूसरी डॉक्टर बोलती है अरे नहीं इसे एक नहीं बल्कि ट्विंस हुए तो तीसरी डॉक्टर बोलती है नहीं nah, इसे ट्विंस नहीं हुए हैं इसे फाइव बेबीज हुए हैं सो so, ये सुन के विंग जो है ना वो आंखें बड़ी करके उन सभी डॉक्टर्स को देखता है और बोलता है डॉक्टर्स प्लीज़ मेरी बेबीज़ को बचा लीजिए अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कुछ साल बाद का ये सीन है ऑफिस में हमारा हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड लान वांग जो कि अपने ऑफिस में एंट्री कर रहा है और उसका पी उसका पर्सनल असिस्टेंट बोल रहा है कि आ, सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है तो वो पूछता है कि कौन है तो वो बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए एलेस ने अपने आदमी को अपने किसी आदमी को भेजा है ये सुनके वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर बोलता है ठीक है चलो ऐसा बोल के वो अपने ऑफिस रूम में जाता है तो वहाँ पर ना टेबल पे कोई मतलब चेयर पे कोई बैठा हुआ था तो वो बोलता है तुम कौन हो तो वो पीछे मुड़ता है और फिर उसे देख के वो दोनों ही सॉक्ट तो वो पिए बोलता है एक बच्चा तो उधर से जो बच मतलब उस चेयर पे जो इंसान बैठा है उसको दिखाया जाता है वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है पाँच साल का बच्चा है वो बोलता है कि डैडी तो ये सुन के जो पिए है और वांगजी है वो दोनों ही सॉक्ट हो जाते हैं वो बोलते हैं क्या डैडी मैं तो जो बच्चा है वो एक डीएनए रिपोर्ट निकालते हैं और फिर बोलते हैं आप मेरे पेरेंट्स हो आप इसे देखिए डीएनए रिपोर्ट है ये और आप मेरे सच में फादर हो ये सुन के जो वांगजी का सेक्रेटरी है वो उस आ, रिपोर्ट को उठाता है उसके बाद वो बोलता है बॉस ये तो सच है ये तो रियल है मतलब ये आपका बच्चा है जी यकीन नहीं हो रहा है लेकिन ये कैसे हुआ तो वह ना कंफ्यूज हो जाता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है और फिर बोलता है क्या तुम्हें किसने भेजा है और तुम तो बच्चे हो तो फिर वो आ, बच्चा है जो वो बोलता है कि डैडी मैं पाँच साल का हूँ और हाँ मुझे एलएस ने भेजा है तो ये सुन के ना वांग जी बोलते हैं क्या बोल रहे हो बच्चे तुम तुम्हारी मॉम कहाँ हैं और तुम यहाँ कैसे आए तो फिर न जो वो बच्चा है न वो बोलता है मॉम तो फिर लान वांग जी बोलता है कि हाँ तुम्हारी मॉम कहाँ है जल्दी बताओ मुझे तो वो बच्चा बोलते हैं अपने मन में ही सोचता है कि मैं अभी तो मोम से नहीं मिलवा सकता डैडी को मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बता सकता मोम के बारे में तभी हमें उस ऑफिस में ही आ, उस कैबिन के बाहर का सीन दिखाते वहां पे एक ओमेगा जो कि उसी केबिन से गुजरते हुए जा रहा था उसकी नजर जाती है उस कैबिन के अंदर तो वो देख के सॉक्ट फिर वो अपने मन भी बोलते आयुआन ये यहाँ क्या कर रहा है ऐसा बोल के वो स्केविंग के तरफ जाता है तो दो बॉडी उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते तो विंग जी हाँ वो विंग ही है तो विंग बोलता है कि वो वो मेरा बेटा है मेरा बेटा आई है आईवन आईवन मेरे पास आओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो अंदर का सीन देखते जब वांगजी और वांगजी का असिस्टेंट और साथ ही साथ वो बच्चा जिसका नाम हमें आईवन बताया जाता है वो तीनों ही बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे विंग जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आईवन तुम यहाँ आओ मेरे पास आओ तो ये सुन के ना आईवन दौड़ के आता है और फिर वो विंग को हक कर लेता है और बोलता है मम्मी, ऐसा बोल के हक कर देता है हक कर लेता है और इस तरफ वानजी विंग को देख के सॉक्ट हो जाता है और विंग जो कि आईवन को हक करता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाँ तुम तुम यहाँ पे कैसे आए तो तभी ना वांग जी बोलते हैं तुम तो की नजर जाती है और वो देख के सॉक्ट और उसके मुँह से भी यही वर्ड निकलता है तुम अभी यहाँ से एक फ्लैशबैक जाता है आ, जो कि आ, उसकी फैमिली में उसके फादर ने दूसरी शादी की थी तो उसकी स्टेप मॉम और उसकी एक बेटी भी थी तो उसकी स्टेप मॉम और उसकी बेटी दोनों ही मिलके के वींग को काफी ज्यादा बुली करते थे तो वी ना उसको उन लोगों ने धमकी दिया था कि तुम ये सब देखो तुम्हारे मम्मी का मतलब मदर का सामान है तो वीम बोलता है कि प्लीज मुझे मेरी मदर का सामान दे दीजिए वापस कर दीजिए तो उसकी बेटी उसका नाम वे सॉन्ग है तो सॉन्ग बोलती है कि ये तुम्हें अगर तुम्हारी मोम का सामान चाहिए तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा तो वीम पूछता है कि क्या तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा आ, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो तुम्हें एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड करना होगा जिसके बाद वो हमें पैसा देगा और फिर हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा तो विंग साफ साफ मना कर देता है बोलता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो उसकी मदर सॉन्ग की मदर उठती और बोलती वो तो तुम करोगे ही करोगे बिकॉज हमने तुम्हें एक ड्रग दे दिया है तो ये सुन के ना विंग सॉक्ट और उसे थोड़ा सा चक्कर भी आना स्टार्ट हो गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आ रहा है बट अब समझ में आ गया कि क्यों आ रहा है और उसकी मदर जो है ना वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ती है कुछ मेट्स के हाथों तो, मतलब बॉडी के हाथों तो से पकड़वा के उसे उस होटल के तरफ लेके जाने स्टार्ट कर देती है बट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल करता है ख़ुद को संभालता है और उन बॉडीगार्ड्स को बहुत ज़ोर से धक्का देता है और उनसे भागना स्टार्ट कर देता है वो भागता है और भाग के वो एक रूम में चला जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है तभी उस रूम के बाथरूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक टोल हैंडसम अल्फा बाहर निकलता है और बोलते तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो तभी विंग बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए कुछ कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो वहाँ वो कोई और नहीं वांगजी ही था तो वांगजी बोलता है कि इसमें मैं क्या करूँ हाँ निकलो मेरे रूम से तभी ना विंग अपने ओमेगा, फे, ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और जिससे वांगजी स्मेल करता है और इस टाइम जो वांगजी का है ना वो उसकी रट डेट मतलब उसका जो रट डेट है वो भी नज़दीक आ रहा था तो वो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुका था फिर वहाँ से वो अपने मैंसन चला जाता बट ये ओमेगा आ गया इस रूम में तो जब वांची विंग का ओमेगा स्मेल इनहेल करता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा स्मूद और काफ़ी स्वीट ये स्मेल लगता है और विंग जो कि अब अपने हालात में नहीं था बिकॉज उसे ड्रग्स दिया गया था तो उसे ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था इधर जी जो कि विंग का ओमेगा स्मेल करके उसे उसने भी अपने अल्फा फेराम को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था तो विंग को जब वांगजी का अल्फ़ा फेरामस महसूस होता है ना तो वींग जो है ना ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगजी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके उसे मतलब हक करते हुए बोलता कि प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी और इधर वांग जी जो कि विंग के फेरोमोन्स के काबू में पहले से ही आ चुका था और विंग के ऐसे बोलने पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों के बीच में उसी टाइम उन दोनों के बीच में एक नाइट स्टैंड हो जाता है अभी यहाँ से फ्लैशबैक से बाहर आते हैं अभी हमें उसी ऑफिस रूम का सीन दिखाते विंग जो कि आ, चुपचाप खड़ा था वांगजी जो कि सोफे पे एकदम पोकर फेस के साथ बैठा हुआ था और वांगजी के हाथों में वींग का जो ऑफिस का, का वो आई कार्ड होता है ना जो कि ऑफिस के हर एक मेंबर के पास होता है उनके नाम के साथ रहता है तो वही लिया हुआ था और आई वन जो कि बगल के ही सोफे में बैठा हुआ था उसके बगल में ही जो वांग जी का पिए है उसका असिस्टेंट वो भी खड़ा था इधर वांग जी उसके आई कार्ड को देखते हुए बोलते हैं वे वो श्यान तो तुम्हारा नाम वे वो श्यान है तो विंग हाँ सर हिला देता है फिर वांग जी बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझे छोड़ के क्यों गए थे उस दिन तो विंग बोलता है कि वो 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 मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाता है तो वन जी बोलता है अच्छा तो मैं कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो विंग बोलता है देखिए मुझे जाना है घर जाना है मुझे अब मुझे आ, मुझे, आ, मुझे बहुत काम है तो वान जी बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये बच्चा तो मेरा ही है ना तो विंग मना कर देता है बोलते नहीं ये आपका बच्चा नहीं है ये, ये सिर्फ मेरा बच्चा है तो वाहन जी करके को देखता है और फिर बोलते हैं सॉरी तुम्हारा बच्चा, है, इससे, क्या मतलब है? तुम्हारा बच्चा है, इससे क्या मतलब है तो विंग बोलता है कि मतलब वो स्पीचलेस हो जाता है इधर विंग जो है ना वो बोलता है कि मुझे जाना है मुझे काम है ऐसा बोल के वो पीछे घूम के जाने लगता है तो बोले ना वांग जी जो है ना उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है और विंग डायरेक्ट लैंड करता है वांग जी के लैप में और ये देख के जो वांग जी का असिस्टेंट रहता है ना तो वो धीरे से अपना हाथ ले जाता है और आईवन के आँखों के सामने रख देता है और बोलता है अच्छे बच्चे ये सब नहीं देखते और इधर जी जो कि बोलता है तुम तो मुझसे कहाँ भाग रहे हो हाँ अब मैं तुम्हें तो कहीं जाने नहीं दूंगा समझ में आया और ये मेरा बच्चा है तो मैं इससे भी दूर जाने नहीं दूंगा तो विंग बोलता है सुनिए मिस मिस्टर लैंड मुझे बहुत वर्क है और हाँ ये ये बच्चा आपका है ब, आ, मतलब विंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है ना उसके मन में यही चल रहा था कि अब लानवांगी उसके बच्चों को उस उसे दूर कर देगा उसे यही लग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था तो ना वो झटके से उठता है और बोलता है कि मुझे बहुत काम है ऐसा बोल के वो आयोन का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के लेके जाने लगता है और जी जो कि गुस्सा आ जाता है और उसके पीछे जाता है उसके पीछे जाता है बट विंग जो है ना वो आयोन को लेकर वो छुप जाता है जिसके कारण से ना वांगझी उसे देख नहीं पाता है और वो सिक्योरिटी से अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम पता लगाओ वे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा फिर इधर हमें नेक्स्ट देखते हैं जो विंग है ना वो बोलता है थैंक गॉड बच गया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो हाँ तुम तुम्हें किसने कहा था घर से बाहर निकलने के लिए तो आयुन बोलते है, मुझे डैड से मिलना था माम इसीलिए मैं आ गया था तो वीन बोलते तुम लोग क्यों नहीं मेरी बात सुनते हो और इधर हमें सीन दिखाया जाता है वो दूर से वहां को कुछ लोग देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि चार बच्चे थे जिसमें से एक लड़की और तीन लड़का थे मतलब एक ओमेगा और बाकी तीनों अल, अल्फाज थे वो बोलते ब्रदर हमारे डैड कितने ज़्यादा है ना तो दूसरा बच्चा बोलता है हाँ सही कहा हमारे डैड बिल्कुल हमारे जैसे तो जो पांचवी बच्ची थी वो बोलती क्या बोल रहे हो गग हम उनके जैसे हैं वो हमारे जैसे नहीं हैं तो वा, वांग जी बोल मतलब सॉरी वो उसमें से एक लड़का बोलता है हाँ सही कहा तुमने सी वो हमारे हम उनके जैसे हैं वो हमारे जैसे नहीं हैं सो so, अभी हमें यहाँ पे इन बच्चों का नाम बताया जाता है सबसे बड़ा वाला बेटा जिसका नाम है लैंस सुजुई उससे छोटा मतलब सेकंड नंबर पे है लैन आई वन और थर्ड नंबर पर है लैंसिजी और फोर्थ नंबर पर है लैन आयु और फिफ्थ नंबर पे है लैन सी ये विंग के सभी बच्चे का नाम है तो अभी मैं सभी बच्चों का नाम यूज करूँगी ओके गाइस? सो so, uh, विंग जो है ना वो आ जाता है घर पे और वो अपने बेबीज़ को देखता है और बोलते तुम लोग तुम लोग बाहर तो नहीं निकले थे घर से तो फिर सारे बच्चे नाम में शरीर ला देते हैं और बोलते नहीं मॉम हम यहीं पे थे हम कहीं नहीं गए बट वहाँ से एक एक पर्सन तो गया था तो वींग बोलता है रुको कुछ तो मिसिंग सी है सीखा है सीखा है बताओ मुझे सीखा है तो ना सभी चुप अभी यहाँ से फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वांग को उन लोगों ने देखा था उन सभी बच्चे ने तो ना सी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो अपने डैड से मिले तो वो ना उसके पीछे चली गई थी और जब उसके पीछे गई थी ना वो तो वो ना अचानक से ही वांगजी से टकरा गई थी जिसके कारण से उसे चोट लग गया था और वो बेहोश हो गई थी तो वांगजी उसे हॉस्पिटल लेकर के चला गया था उठा कर के और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मतलब फ्लैशबैक एंड होता है और यहाँ पे विंग को एक कॉल आता है हॉस्पिटल से बोला जाता है उसे कि तुम्हारा तुम्हारी जो बेटी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो जल्दी आप आ जाइए तो विंग भी फटाफट उठता है और बोलता है तुम लोग यहीं रहो मैं आती हूँ ऐसा बोल के वो दौड़ के चला जाता है हॉस्पिटल अपनी बाइक बाइक नहीं सॉरी अपना कार लेता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है हॉस्पिटल जाके वो मतलब वहाँ पे ना मतलब लान लानवांग जी भी था तो वो फटाफट अंदर एंटर करता है और बोलता है सी सी तुम ठीक हो तु, 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 तुम तुम ठीक हो ना तु, तु, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना तबले उधर से एक जो ग्रैंड माँ है ना वो बोलती हाँ ये कौन है बेटा क्या ये तुम्हारी मोम है जी जिसकी बड़ी बड़ी हो गई थी कि क्या ये इसकी मॉम है तब विंग को रियल, रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है तो बोलते आ, लगता है मैं मैं गलत वार्ड में आ गया हूँ सॉरी सॉरी तब ले सी बोलती है मॉम आप कहाँ जा रहे हो तो विंग बोलते है ओ नो

कि मेरा नाम सी है तो वो बोलती है वाह तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है फिर उसके बाद व, आ, जो वान जी है ना वो वहाँ पे एंट्री करता है बोलते है, काश मेरी भी तुम्हारी तरह ही एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती तो कितना अच्छा होता तो लेंसी एक स्माइल करती है तभी वो वांग जी को देखती है बोलती है तो कब मुझे एक ग्रैंड डॉटर दे रहा है तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है तब ले लेंसी जो है ना वो वांगची को देखते हुए बोलती डैडी ऐसा बोल के उससे हक कर लेती है तभी मतलब जो है वो सॉफ्ट हो जाती है कि क्या डैडी तभी उसी केविंग का डोर ओपन होता है और विंग एंट्री किया था उस टाइम पे और फिर विंग जो है ना उसका मतलब वो लेंसी को पूछ रहा था कि उसका हालत कैसा है तबले उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो कुछ और लोग भी हैं तो वो ना बोल बोल देता है कि ये, ये, मैं लगता है गलत वार्ड में आ गया हूँ सॉरी ऐसा बोल के जा रहा था तो लेंसी भांडा फोड़ देती है उसका तो विंग जो है ना वो बोलता है कि तुम्हें अभी बोलना ज़रूरी था क्या थोड़ा शांत हो जाते तो क्या हो जाता तो ना लेंसी रोने का नाटक करने रहती है वो बोलते है मॉमी आप मुझे पहचानती नहीं हो ना डैड भी मुझे पहचान नहीं रहे मॉम भी मुझे पहचान नहीं रही है ऐसा करके वो नाट मतलब रोने लगती है और विंग को पता था कि ये नाटक है ये नौटंकी बाज पूरा नाटक कर रही है और वो बोलते मैं फंस गई इधर वांग जी उसे घूर के देखता बोलते बेटा तुम यहीं पर रहो मैं अभी मम्मी से बात करके आता हूँ ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर लेके जाता है और बोलता है तुमने कितने बेबीज को जन्म दिया है हाँ बताओ उस आ, नाइट स्टैंड से उस वन नाइट स्टैंड से तुमने कितने बेबीज को जन्म दिया एक आई वन और दूसरी ये सी अब अब कितने बेबीज है तो ना विंग बोलते देखो तुम्हारी सिर्फ ए एक ही बेबी है ये लेंसी सिर्फ मेरी बेटी है तो लेंसी सॉरी सी मेरी बेटी है सिर्फ तो वांग जी बोलते हैं तुम मुझे पागल समझ रही हो पागल समझ रहे हो वो मुझे डैडी बोल रही और वो तुम्हें मम्मी बोल रही है तुम्हें क्या समझूगा हाँ तुम बताओ तुमने कितने बच्चों का जन्म दिया है तो विंग कुछ चुप हो जाता है वो बोलता है कि मैं, मैंने सिर्फ ए, एक ही बेबीज को जन्म दिया है मैंने आम, मैंने और तुम्हारे बेबीज़ को जन्म नहीं दिया है तो वांग जी बोलते हैं तुमने कितने लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया है ये बताओ तो ज़रा तो विंग बोलते हैं तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो तो वांग जी बोलते हैं तो तुम ही बता दो कम कितना बोलते हैं हु? तुम तो मुझे बता नहीं रहे हो कि ये किसकी बेटी है मैं पूछ रहा हूँ ना तो तभी ना उसके मतलब वांग जी को है ना एक कॉल आता कॉल आता है तो वो ना उससे बात करने लगता है कॉल पे इसी का फ़ायदा उठा के ना विंग फटाफट लेंसी का हाथ पकड़ती है उसे खींच के लेके चली जाती है और इधर जो वांगजी जी ना उसको जब रियलाइज होता है कि विंग नहीं है तो वो चिल्ला के है वी वो श्यान मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं तुम तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रहे हो ना अभी यहाँ से सिंध शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है आ, सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और विंग बोल रहा है तुम लोग प्लीज़ कुछ मत करो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोग क्यों समझ नहीं रहे हो मेरे बात को तो वो सारे बच्चे ना चुप हो जाते हैं फिर वो बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं आओ मुझे हक हक दो फिर उसके बाद वो सभी बच्चे जो है ना वो पाँचों बच्चे विंग को हक करते हैं फिर बोलते हैं हाँ। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें अगर डैडी और मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे <coughs> तो वो सभी बच्चे बोलते हैं कि हम मम्मी को चुनेंगे ये सुन के ना विंग स्माइल करता है तभी उसे एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके मतलब उसे एक आ, पार्टी मीटिंग में जाना है तो उसके लिए वहाँ पे बुलाया जाता है तो वो बोलता है कि बच्चों तुम लोग यहीं पे रहो मैं जा रहा हूँ उस मीटिंग में ठीक है मुझे काम है तो वो सारे बच्चे भी ठीक है बोल देते हैं उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से उस मीटिंग में चला जाता है वो छोटी सी पार्टी वाली मीटिंग रहती है तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी थी तो वो ना जब विंग को वहाँ पे देखती है ना तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तुम यहाँ आ गए वापस अपना ये बेकार सा मुँह चेहरा उठा के आ गए हाँ तुम्हारा तो पता नहीं किसके साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था किसी जंगली के साथ साथ ही साथ उसके तो तुम्हारे तो अब पूरा हालत ही खराब हो चुका है तुम तो एक भिखारी हो गए हो मतलब उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं तो है, बोल ना वो कंपनी मेरी मोम का है मेरी मोम का तो ना उसकी स्टेप में बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो ऐसे बोल के ना उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसको उस पार्टी में मतलब सभी लोग विंग को बहुत बुरा भरा बोलते हैं कब तभी वहाँ पे ना एक लड़का का एंट्री होता है और वो बोलता है कि अच्छा वो मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम पता नहीं कितने अल्फाज के पीछे जाते हो तो ये देख के ना विंग बोलता है तो तो उसकी स्टेप सिस्टर आगे आती है और बोलती है मैंने तो तुम्हारे फ्यन्से को भी छीन लिया तुम्हारा एक्स फ्यों अब मेरा फ्यों से तो विंग बोलता है मैं तो हर एक झूठी चीज यूज करने की आदत हो गई है ना तो जो उसका फ्योन्स रहता है ना मतलब एक्स फ्योन् से वो बोलता है कि अच्छा हुआ ना कि मैं तुम्हें छोड़ के मैंने सॉन्ग को चूज कर लिया बिकॉज तुम तो एक ऐसे ओमेगा हो जो कि हर एक अल्फाज के पीछे घूमते रहते हो और उनके साथ सोते हो इस उनके जो विंग है ना वो गुस्से में जो उसका रहता है ना उसको एक थप्पड़ मार देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो बोलता है तुम ये सब बोल रहे हो हाँ तुम तो खुद मेरी स्टेप सिस्टर के आ, साथ जा कर के उसके साथ हो गए हो मुझे छोड़ के तो जो उसका एक्सफ्यंसर रहता ना वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसा बोल के कुछ गार्ड्स को बुला करके उसे पकड़वाता है और उसको बहुत मारता है वो लोग काफ़ी बुली करते हैं और ये सब सी टीवी कैमरा की मदद मतलब से वो पांचों बच्चे देख रहे थे तो वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि मम्मी खतरे में है तो जो आई है ना वो बोलता है डैड को बुलाते हैं और क्या ऐसा बोल के वो अपने गॉगल्स को ठीक करता है वो चश्मा लगाता है तो वो अपने गोगल्स को ठीक करता है और बोलते हैं अब डैड ही करेंगे जो करेंगे उसके बाद जो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे ना वहाँ पे मतलब वो, वो दोनों बच्चे चले जाते हैं आ, सी चली जाती है साथ ही साथ आयोन चला जाता है आ, आईवन जाता है विंग के पास सी जाती है वांगजी के पास वांगजी को बताने के लिए कि मोम पर खतरा आया है मोम को सब लोग बुली कर रहे हैं और इधर आईवन है जो कि विंग के पास जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है बट वो तो है एक बच्चा ही ना चाहे वो कितना ही क्यों कि ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर ले बट वो है तो एक बच्चा ही तो सब लोग उसे भी बुली करना स्टार्ट कर देते हैं तभी वहाँ पे गेट खुलता है और वहाँ पे हमारा हीरो एंट्री करता है हीरो जब आता है तो वो देखता है कि विंग कितना ज़्यादा मुसीबत में है उसको सभी लोग बुली कर रहे हैं तो जो वाजी है ना वो आता है उसको सारे बॉडी को ध, मतलब मारता है उसके सारे वाजी जब आता है तो उसके बॉडी गार्ड्स आते हैं तो उसके सारे बॉडी भी आ, उसको मतलब जो विंग को पकड़े थे उसे दूर करते हैं और विंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तभी तो वहाँ पे वांग जी के विंग के डैड आते हैं और वो बोलते हैं मिस्टर वे बोलते हैं कि तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हाँ तुम इस पार्टी में खर, इस पार्टी को ख़राब करने के लिए ही आए हो ना वे वश्यान तो विंग बोलता है कि देखिए मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करना है। बस आप मेरे मोम का पेंडेंट जो कि अपनी इस बेटी इस नजायज बेटी को दिया है वो मुझे दे दीजिए वापस तो वो बोलते हैं मैं नहीं दूंगा तुम क्या कर लोगे हाँ कुछ नहीं कर सकते और ऐसा बोल के ना उसके करीब जा रहे थे तो वांग जी उसके बीच आ जाता है और विंग बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ मुझे दे दीजिए मेरे मोम का पेंडेंट वापस और मुझे मेरी मोम का कंपनी भी चाहिए तो वो साफ मना कर देते हैं और उस विंग को ना थप्पड़ मारने जा रहे थे बट वांग जी उसे रोक देता है और वांगजी उसे ढकेल देता और बोलता है कि दूर रहो मेरे वाइफ से मेरे ओमेगा से तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो तो वांग जी बोलता है मैं लाल वांगजी हूँ लान वांग जी को कोई भी किसी ने नहीं, नहीं देखा था लान कॉरपोरेशन का सीईओ है प्रेसिडेंट है वांगजी बट उसे किसी ने भी नहीं देखा था तो जो आ, वांझी जब खुद को बोलता है लान वांझी तो सब लोग उसको विश्वास नहीं करते तो वो लैन वैन की लैन वांगजी है वो तो ना तब भी ना वांगजी बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो तो उसके डैड बोलते हैं हाँ तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा ऐसा बोल के ना उसके उसकी तरफ हमला करने जाते बट वांग जी एक बार ही मारता है वो जाके बेहोश एक बार में ही वो बेहोश और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है इलाज के लिए उसकी जो सिस्टर रहती है ना स्टाफ सिस्टर वो बोलती है कि तुम तुम और ये तुम्हारे जंगली बच्चे तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा गंदे हो और तुम यहाँ पे आ करके ना इस पार्टी को भी बहुत गंदा कर हो और तुम्हारी वजह से मेरे डैड चले गए हॉस्पिटल तुम इनको बहुत गुस्सा आता है और वो एक छाटा मारता है सॉन्ग को और बोलती है मतलब बोलता है कि तुमने मेरी हर एक चीज़ को छिल लिया है और अब तुम मेरे बेटे को भी बुली करना चाहते हो हाँ मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा तो वो बोलता है कि पता नहीं किसका ये बच्चा हुआ है और जो कि मतलब जंगली बच्चा है ऐसा से बोलता है तो वहां जी बोलता है ये बच्चा भी मेरा है और ये ओमेगा भी मेरा है तुम्हें क्या करना है तुम्हारी तो ऐसा बोल उसको माना जाता है तब ले वहाँ पर ना फिर से डोर ओपन होता है वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कौन किसे यहाँ बुली कर रहा है तो वाम जी पीछे मुड़ के दिखता है तो बोलते है सचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो सचन बोलते हैं गगा आप, आप यहाँ अरे गगा मुझे ना एल एलेस ने कहा था कि यहाँ पे जाके आपने मुझे यहाँ बुलाया सॉरी गगा आपने मुझे मैसेज करके बोला था कि यहाँ पे आओ मेरी हेल्प करने के लिए तो इसीलिए तो मैं आया हूँ तो वांग जी को समझ जाता है कि एलस ने उसके फ़ोन को हैक करके उसके भाई को मैसेज किया है लैंस चैन जिसे सब लोग जानता है बिकॉज लेंसैन काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो लड़ाई करने में माहिर है मतलब एक तरफ से वो छोटा मोटा माफिया ही है अब ऑब्वियसली उसका फैमिली इतना बड़ा है लैंस फैमिली काफ़ी बड़े तो वो छोटा मोटा नहीं बट है माफिया ही है तो जो वांग है ना वो बोलता है कि किसी की हिम्मत है मेरे पास आने की तो सब समझ जाता है कि ये सच में लान वांग जी है और सब लोग पीछे हट जाते हैं वांग जी जो वांग जी के पास ना उसके दोनों बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि डैड आपने आप एक हीरो हो आपने हमारे मॉम को बचा लिया तो वांग जी बोल एक स्माइल करता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या करना है तो वो फिर वो विंग जो है ना सॉन्ग के पास जाता है और उसको एक थप्पड़ लगाता है अब जो कि विंग के पास पावर है वांग जी का सपोर्ट है तो विंग निडर होकर के जाता है सॉन्ग के पास वे सॉन्ग के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है मेरी मोम का नेटलेस वापस करो तो वो भी ना डरते हुए उसे दे देती है फिर जब उसकी मोम आती है ना उसे बोलने कि तुमने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया तो विंग जो है ना उसको इतना थप्पड़ मारता है ना कि उसका गाल लाल हो जाता है बहुत ज्यादा उसके फेस पे हाथ का निशान बन जाता है उसके बाद बोलते हैं मेरे बच्चे को कभी जंगली मत कहना ठीक है वो मेरे बच्चे हैं समझना है मुझे चाहे जितना बोल लो पर मेरे बच्चों को बोलेगा ना तो मैं चुप नहीं रहूँगा ऐसा बोल के ना वो अपने बच्चों के साथ और वांग जी के साथ वो लोग चले जाते हैं वहाँ से फिर उधर वी का जो बेबी है जो कि सिज्वी है वो देख रहा था ये सब और बोलता है चलो सब बच गया सब ठीक हो गया उसके बाद वो बोलते हैं वांजी जो है ना वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोग को डिनर कराने के लिए लेके चलता हूँ तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं उसके बाद वो लोग जाते हैं डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छे बड़े से रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे जब डिनर के लिए सारा फूड आइटम आता है ना तो विंग सोचता है कि पता नहीं मेरे सारे बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा मैं क्या करूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इधर वो दोनों बच्चे भी यही टेंशन में थे कि उसके ब्रदर्स खाना खाए होंगे या नहीं खाए खाना खाए होंगे उनके बिना कैसे हम लोग खाना खा लें इधर वांग जी बोलता है कि तुम लोग शांत क्यों हो खाना खाना स्टार्ट करो तो वो लोग भी एक स्माइल करते बोलते हैं हाँ ठीक है मैं खा रहा हूँ ऐसा बोल के विंग खाने लगता है और इधर आईवन जो है ना वो खाना मतलब एक बाउल में खाना लेता है और उसको ले करके ना किसी और टेबल पे जाने लगता है तो वहाँ जी वो बोलते है कि वो कहाँ जा रहा है तो जो विंग है ना वो बोलता है उसे अकेले में खाना खाना पसंद है तो वहाँ जी बोलते है, ऐसे कैसे रुको मैं अभी देख के आता हूँ तो वही रुकता है बट वांग जी रुकता नहीं है और वो उसके पास जाता है और इस तरफ आईवन जो कि एक बाउल में सूप लेकर के कहीं जा रहा था एक कोने में जाता है वहां पे उसके मतलब उसका भाई जो है ना वो जीजी जो है ना जी जीजी जीजी जी जो है ना वो वहां पे बैठा हुआ था तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि जीजी ये लो तो इसे खा लो तो उसको ना तभी ना स्टेप मतलब फुट स्टेप की आवाज़ आती है तो जो आईवन जो है ना वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे जीजी जो है जो कि बिल्कुल आईवन की तरह ड्रेसअप था और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे पांचों बच्चों का शक्ल एक जैसा है बेटी का सकल थोड़ा सा एक जैसा है बट थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज वो एक लड़की है लड़का नहीं तो वाहन जी जो है ना वो देखता है कि आईवन जो है ना वो कोने में बैठ के खा रहा है तो उसको उठाता है बोलता है कि आईवन चलो यहाँ से टेबल पर जाके बैठो और खाओ तो आइवन कुछ नहीं बोलता है और वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है बिकॉज़ वो आईवन नहीं है वो जिजी है तो वो जब अपने टेबल पर बैठता है ना तो वाहन जी बोलते पता नहीं क्यों ये अजीब व्यवहार कर रहा था तो विंग तो समझ जाता है कि ये आई वन नहीं है बल्कि ये जीजी है बट वो कुछ बोलता नहीं फिर वो लोग डिनर कंप्लीट करते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है आ, सीन वांग जी के घर का बिकॉज विंग ने वांग जी ने कहा था वींग को कि तुम मेरे ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आना और बच्चों को लेकर आना तो वग भी हाँ कर दिया था तो वो चला जाता है बच्चों को मतलब वहाँ पे घर पे छोड़ता है फिर नेक्स्ट डे वो बच बच्च, दो बच्चों को मतलब आई वन को साथ में वो सी को लेता है और सारे बच्चों को वैसे तो सारे बच्चों को लेके आता है बाहर बट वो लेकर अंदर सिर्फ दो बच्चों को जाना है तो वो बोलता है कि बच्चों तुम लोग यहीं रहना मेरा वेट करना ठीक है ज़्यादा बदमाशी मत करना मैं आऊँगा ठीक है तो वो भी हाँ कह देते हैं उसके बाद विंग चला जाता है सी और आई को लेकर अंदर और इधर जो आई है ना मतलब आई बोल रहे सॉरी जो जीजी है ना वो बोलता है कि गग अंदर से ये डैडी का घर कैसा लगता होगा और यही बात आयु भी पूछता है तो जो आयु सिजुई है ना वो बोलता है अम, वो बहुत खूबसूरत होगा क्या तुम लोग को देखना है तो वो भी हाँ में सही लाते हैं फिर उसके बाद उसे उन सभी को लेकर के जाता है एक दीवार पे खड़े होकर वो लोग देखते हैं कि वो घर कितना सुंदर है पीछे से कर, तभी एक ओल्ड लेडी पीछे से आती है और सॉरी ओल्ड लेडी बोल रही हूँ ओल्ड मैन पीछे से आता है ये कोई और नहीं लैन कुरैन है वो आता है पीछे से और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो तो वो ना अचानक से वॉइस सुनते हैं तो डर जाते हो सभी बच्चे और वो लोग दीवार से नीचे गिर जाते हैं ज़्यादा हाइट नहीं था बट गिर जाते हैं और उन लोग के चक्कर में लैंड कुरेन भी गिर जाता है जिसे उसे भी चोट लग जाता है तो वो सभी जाते हैं हॉस्पिटल यहाँ से सिंसेप्ट करके हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जो कि लहन कुरेन के पास उसकी वाइफ मतलब जो लैंड की वाइफ है ना मिसेस लैंड वो भी बैठी हुई है और साथ ही साथ वांग जी भी वहाँ पे और वो ना मतलब थोड़ा सा वरीड हो रहा था वांग जी अभी एंट्री किया था और वो पूछता है कि आ, अंकल सॉरी ग्रैंड क्या हुआ था तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ बट वो तीनों बच्चों को देखना जरा वो कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना उन लोग को तो वहाँ जी कंफ्यूज़ होकर बोलता है तीन बच्चे तो जो ग्रैंड फादर है ना मतलब लैंड को रहने ना वो बोलते हाँ पता है वो बच्चे बिल्कुल वांगजी की तरह दिख रहे थे सेम टू सेम जैसे वांगजी छोटे में से, छोटे में था ना वैसे ही वांगजी की तरह वो दिख रहा था वो तीनों बच्चे तो उसकी वाइफ बोलती क्या सच में इधर वांगजी भी कंफ्यूज हो जाता है फिर वो बोलते हैं अच्छा कहाँ है तो वो बोलता है कि वो उस रूम में है तो वो रूम नंबर बता देते हैं फिर वांगजी ना उस तरफ जाने लगता है देखने के लिए तो वो इधर विंग का सीन दिखाते हैं विंग जो कि उन तीनों बच्चों के पास पहुंचता है आईवन और सी को घर में छोड़ के फिर वो उनके पास आता है और बोलता है कि बच्चों तुम लोग ठीक हो या नहीं तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ मॉम तो विंग बोलता है कि अब चलो यहाँ से जल्दी चलो तो विंग जो है ना उन्हें लेकर के वहाँ से चला जाता है जैसे ही वो चला जाता है ना थोड़ी देर बाद वाणी उस रूम में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद बोलता है वो कि अरे बच्चे कहाँ गए तभी वहाँ पे एक नर्स रहती है तो वो उससे पूछता है कि बच्चे कहाँ गए इसमें जो तीन बेबीज थे तो वो बोलते हैं कि वो तो अपने मॉम के साथ चले गए तो ये सुन के ना वहाँ जी कंफ्यूज़ हो जाता है और बोलते हैं चले गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तभी वो नर्स जो है ना एक आई कार्ड को देती है और बोलती है, अरे उसमें से एक बच्चे का ये छूट गया तो वो बोलते अच्छा देना तो तो जब देखता है ना तो वो बोलते अरे आईवन तभी वो देखता है कि उसके नीचे ना कुछ और ही नाम लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है जीजी ये देख के सॉफ्ट जीजी ये कौन है फिर यहाँ से सीन सेक्ट करके हमें एक सीन दिखाया जाता है हमें छोटे बच्चों के स्कूल का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे लेंसी और साथ में लहन जीजी वो दोनों ही बैठे हुए थे तभी वहाँ पे एक थोड़ा सा मोटू सा लड़का आता है और वो ना लहनसी के जो बाल जो है ना उसे खींच देता है तो ना लैंसी चिल्ला देती है वो बोलती है कि तुम, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ तो वो बच्चा बोलता है कि तुम जंगली बच्च, जंगली बच्चों तुम लोग ऐसे स्कूल में ना पढ़ने लायक नहीं हो तो जो जीजी है ना वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो हमें हाँ तुम तुम भी तो पढ़ने आते हो मैं भी पढ़ने आता हूँ ये स्कूल है यहाँ पे तो सब लोग पढ़ने आ सकते हैं तब ले वो टीचर वहाँ पे एक टीचर आती है और बोलती है कि क्या हुआ है तो वो जो आ, लड़का जो रहता है ना मतलब वो लड़का बोलता है कि ये ये लोगों ने मुझे बोली किया तो जो सी सी रहती मतलब सी रहती है ना लंसी वो बोलती है कि नहीं टीचर इसने मुझे बोली किया और यहाँ तक कि इसने मेरी मॉम को भी जंगली कहा और मुझे भी जंगली कहा तो वो टीचर बोलती है कि तुम लोग को पता भी है ये बच्चा कौन है हाँ इसकी जो मॉम है ना वो इस स्कूल की शेयर होल्डर में से एक है तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो हाँ तुम्हारी मॉम का क्या ही पता उसने तो कुछ भी डोनेट तो किया नहीं है इस स्कूल में तो लेंसी अलंसी बोलती है कि टीचर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं मेरी मोम बहुत अच्छी हैं तो उसकी जो टीचर है ना वो बोलते हैं कि रुको अभी मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करती हूँ तो जो जीजी है ना वो बोलता है कि टीचर प्लीज़ आप उन्हें कॉल मत कीजिए मॉम बिजी होंगे तो जो वो बच्चा है ना मोटा सा वो बोलता है हाँ हाँ बिजी होगी कि किसी आ, किसी और मैन को सड्यूस करने में तो ना उन बच्चों को ना गुस्सा आ जाता है तो वो उस उसको मार देते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं वो टीचर भी चिल्लाने लगते हैं उन बच्चों के ऊपर तो तभी ना वहाँ पे मतलब एक टीचर आते हैं और बोलते हैं कि ये है जीजी तो ये देख के ना वांग जी सॉफ्ट ये जीजी है तो वो टीचर बोलते हैं ये जीजी है और इसका भाई भी है जो कि जिसका नाम आयवंत सिजुई और आयु है वो लोग भी आ, दूसरे क्लास में पढ़ते हैं बट इसी स्कूल में पढ़ते हैं ये सुन के वहाँ जी सॉक्ट और जो सी सी है ना वो भी सी सी और जी जी सी सी बोल सॉरी सी और जी जी दोनों ही ना कंफ्यूज जाते हैं और घबरा जाते हैं कि दादी को क्या पता चल गया सब चीज़ ओ नो अब क्या होगा अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो लोग ना घबरा जाते हैं फिर ना भांजी उनके पास जाता है और बोलता है बच्चों क्या हुआ है तो ना सी सारी बातें बता देता है कि कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं और मुझे बुली कर रहे हैं साथ ही साथ मॉम को भी बुली कर रहे हैं तो वो लोग ना आ, उसका जो मतलब वो जो बच्चा रहता है ना वो भी Uh, बोलता है मतलब बहुत बुरा बुरा बातें बताता है बोलता है वांगजी को भी बुरी बातें बोलता है उन बच्चों को भी बुरी बातें बोलता है तो वो टीचर बोलते हैं कि अभी उसकी मोम आ रही है तो जब उसकी मोम आती है ना तो वो भी उन्हीं लोग को बुरा बुरा बातें बोलना स्टार्ट कर देता है तो वांग जी को आ जाता है गुस्सा और बोलता है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो हाँ तुम लोग को समझ में भी आ रहा है कि मैं कौन हूँ मैं लान वांग जी हूँ तो उन लोग को विश्वास नहीं होता है कि ये लान वांग जी है तो वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि लान वांग जी द फेम द लान वांग जी जो कि लान कॉपरेशन का चेयरमैन है वो यहाँ क्या करेगा हाँ वो भी इन जंगली बच्चों के पास आएगा हु? तो वो लोग मतलब हवा में ये बात को उड़ा देते हैं तबले वो औरत बोलती है मैंने अपने हसबैंड को बुलाया है अभी वो आ ही रहे होंगे मेरे हस्बैंड लैंड कॉपरेशन में ही वो न्यू न्यू मैनेजर मैनेजर बने हैं तो वहां जी बोलते हैं अच्छा तब लेना न वहाँ पे उसका हस्बैंड आ जाता है और फिर वो बोलता है कि किसने मेरे बेटे को बुली किया तो फिर जो वो है ना वहां को देखता है बोलता है तुमने मेरे बेटे को बुल किया ऐसा बोलकर वो मारने जाता है तब ले ना वनजी उसको ही उल्टा मार देता है और उसे नीचे ज़मीन पे पटक देता है उसके ऊपर ना पैर रखते हुए बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे बच्चों को परेशान करोगे तो वन जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है और बोलता है कि तुम मैनेजर हो वो मतलब उसे हटाता है मतलब वो हटा देता है फिर हाथ से पैर हटा देता है फिर वो बोलता है कि तुम तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ मैं लैंड कॉपरेशन में जॉब करता हूँ वहाँ का मैनेजर हूँ मैं तो वांग जी बोलता है अच्छा तुम तो मैनेजर हो ठीक है अभी मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ तो बोलता है तुम होते कौन हो मुझे जॉब से निकालने वाले तो फिर वांग जी बोलते हैं अभी पता चल जाएगा ऐसा बोल गया वो फ़ोन निकालता है फिर उसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है अपने ही असिस्टेंट को फ़ोन करता है वो बोलता है मैनेजर को अभी अभी इसी वक्त निकालो तो वो उस बात करने के बाद उस फोन को काट देता है थोड़ी देर बाद मतलब जब वो काट देता है ना फोन तो सारे लोग वहाँ पे जो रहते हैं ना वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं तभी उस मैनेजर को मतलब उस लड़के के बाप को फोन आता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है सीईओ ने निकाल दिया जब ये सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये सच में सी है तो वो ना उसका पैर पड़ने लगता है उसे माफ़ी मांगने लगता है या तक कि अपनी वाइफ अपने बेटे को भी माफ़ी मांगने लगता है माफ़ी मांगने के लिए बोलता है तो वो लोग भी माफ़ी मांगते हैं तो वन जी बोलता है कि किसी चाहे कोई भी हो छोटा हो या बड़ा हो गरीब हो या अमीर हो सभी लोग स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए तुम लोग की तरफ बुली होने के लिए नहीं तुम लोग उन्हें गरीब समझ के बुली नहीं कर सकते तो वो ना अपने बच्चों की तरफ देखता है और फिर बोलता है अब तुम लोग इन लोग को जो पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकते हो तो सी बोलती है कि डैड हमारी मॉम ने ऐसा नहीं सिखाया है मेरी मॉम ने कहा है कि हमें हर एक लोग को एक चांस देना चाहिए और किसी के साथ भी पूरा व्यवहार नहीं करना चाहिए अगर अगला पर्सन हमारे साथ वो कर रहा है और हम भी उसके साथ वही करेंगे तो हमारे और उसमें अंतर ही क्या रहेगा इसलिए छोड़ दीजिए टैंड तो वो बोलते हैं देखा मेरे बच्चों को ऐसा बोल के वो चला जाता है उन दोनों को मतलब वहाँ पे मतलब वो ना उन्हें हक कर लेता है वाझी जो है ना वो उसे हक कर लेता है तभी वहाँ पे ना एक टीचर आती है जो कि उसी लड़की का ना साइड ले रही थी तो वो टीचर प्रिंसिपल को ले, लेने के लिए ले गई थी तो वो प्रिंसिपल को जब लेके आती है ना तो वो बोलते कि सर ये देखिए ये जो है ना ये मैन ये दोनों बच्चे इस बच्चे को बुली कर रहते हैं ऐसा बुरा बुरा बोलती है तो वो जो टीचर मतलब प्रिंसिपल रहता है ना वो जो प्रिंसिपल रहते हैं ना वो उसी टीचर को निकाल देते हैं जॉब से और साथ ही साथ उसे वो एक थप्पड़ भी मार देते हैं और बोलते हैं कि ये लाल वांग जी है लान कॉर्परेशन का प्रेसिडेंट फिर वो लाल वांग जी के सामने झुकता है और उसे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से मतलब उसके टीचर्स की वजह से उसके स्कूल के टीचर्स की वजह से उसके बच्चों को बोली होना पड़ा उसे माफ़ करने के लिए बोलता है तो वांग जी बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बस बच्चों को एक समान मानिए चाहे अमीर हो या गरीब हो वो बच्चे हैं पढ़ने आए हैं तो उन्हें पढ़ाइए तो वो प्रिंसिपल भी हाँ में सर हिला देते हैं फिर उसके बाद जो आंटी है ना उन लोग को टाटा बाय कर कर के मतलब टाटा बाय मतलब उन लोग को बाहर लेकर के आता और बोलता है कि तुम लोग ठीक हो ना तो वो लोग भी हाँ हमें ठीक मतलब हाँ हम ठीक है ऐसा बोल देते हैं तभी ना वांग जी को एक फ़ोन कॉल आता है और वो विंग का था वो फ़ोन उठाता है तो उसमें से एक वॉइस वो, आ रहा था कि प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी ऐसे ऐसे बोल रहा था तो वांछ जो है ना वो घबरा जाता है और उसके बाद वो उस तरफ मतलब वो बोलता है कि बच्चों को घर लेकर के चले जाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है कि बच्चों को घर लेकर के चले जाओ और वो वहाँ से जाना है, स्टार्ट कर देता है अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें विंग का सीन दिखाते विंग प्लीज़ हेल्प मी क्यों बोल रहा है ये चीज़ हैं विंग जो कि उसे ना उसकी स्टेप सिस्टर ने मैसेज किया था कि वो आ जाए हमारे मतलब एक एड्रेस दिया था वो बोला था कि यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आके उसे उसकी मॉम की सारे सामान जो है ना वो दे देंगे ये सुन के ही वि जो है ना वो उस जगह पे आया था तो उसकी जो मतलब स्टेप सिस्टर है ना वो जब वहाँ पे आया ना तो उसे मारना स्टार्ट कर दी कुछ लोगों की हेल्प से और बोला कि तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए हाँ आओ तुम्हें मैं देता हूँ प्रॉपर्टी ऐसा बोल के उसे बहुत मारते हैं और उस साथ ही साथ उसका ब्लड भी ले, ले लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी सारी जायदाद जो है ना वो मेरा होगा अगर उसने कहा उस लॉयर ने कहा कि डीएनए टेस्ट दिखाने के लिए कि तुम हो या नहीं तो मैं तो ये ब्लड का यूज़ करूँगी और सारा कि सारा पैसा सारा जायदाद मैं अपने नाम में कर लूंगी तो विंग ना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गया था तभी ना वहाँ पे ना मतलब वांजी एंट्री करता है जब वांजी मतलब जब विंग को ना वो लोग मार रहे थे तो विंग ने फ़ोन निकाल के वांजी को ही कॉल किया था बट जब उसकी सिस्टर देखी थी कि वो किसी को कॉल लगा रहा है तो उसका फ़ोन तोड़ दिया था तो वान अभी यहाँ पर एंट्री किया था पांझी एंट्री करता है उसके बाद बोलता है तुम लोग की इतनी हिम्मत तुमने मेरे ओमेगा के ऊपर हमला किया फिर से दोबारा ऐसा बोल के ना उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे जितने गुंडे रहते हैं ना उन लोग को सब लोग को मारना स्टार्ट कर देते हैं विंग जो है ना वो खुद को संभालता है और उठता है ताकत लगा के और वो ना सॉन्ग को मारना स्टार्ट कर देता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मुझे बुली कर लिया है बहुत ज़्यादा अब तुम्हारी खैर नहीं ऐसा बोलकर उसे एक डंडा लेता है उसे मारना स्टार्ट कर देता है बोलता है तुम मेरे मेरी पोजिशन लोगे मेरी जगह लोगे तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरी जगह लोगे ऐसा बोलकर मारने लगता है तभी वहाँ पे ना कुछ और गुंडे आ जाते हैं जो कि ललन सीचन के साथ आ जाते हैं मतलब बॉडी गार्ड आते हैं क्योंकि ललन सचन के साथ आते हैं और ललन सीचंद बोलते हैं मतलब वांजी जी बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रहा तो है तो सचंद बोलते हैं भाई मुझे ना एलएस ने मैसेज uh, किया था कि मैं जा कर के हेल्प करूँ सिस्टर ब्रदर इन लोग का तो वजी बोलते हैं आखिरकार एलएस का विंग के साथ क्या ना आता है तो वांगजी जो है ना वो कंफ्यूज रहता है और जो सिचन रहता है वो बोलते हैं कहीं कहीं एलएस ब्रदर इन लोग को पसंद तो नहीं ना करते ब्रदर आपका आ, आपका जो वाइफ है ना वो हाथ से फिसल रहा है <laughs> थाम लो तो वांग जी उसको घूर के देखता है तो वांग, वो जो सिचन रहता है ना वो चुप हो जाता है फिर वो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लगता है तो वांगजी पूछता है ये क्या कर रहा है तू तो सिचन बोलते हैं अरे एलेस ने मुझे कहा था कि जो भी कुछ हो वहाँ पे मुझे वीडियो बना के भेज दे तो मैं वही कर रहा हूँ तो मान जी बोलते हैं तुमने को देखा भी है आज तक जो तू तो उसका एक बात एक बार बोलने पे ही हर एक काम करना स्टार्ट कर देता तो है तो सिज्जन बोलते हैं कोई बात नहीं ब्रदर आज नहीं देखा है तो क्या हुआ कल देख लूँगा मतलब एक ना एक दिन तो देख ही लूंगा ना उसे बट मुझे करना है उसका हर एक काम ऐसा बोल के वो करना स्टार्ट कर देता है इधर विंग जो है ना वो बहुत मारता है अपनी सिस्टर को उसकी मदर तो वहाँ से भाग गई थी तो अपनी सिस्टर को काफी मारता है और इधर जो सॉरी वहाँ पे मदर नहीं थी उसकी सिर्फ सिस्टर थी उसकी तो उसे काफ़ी मारता है उसके बाद वो बोलता है कि मेरे काम में टांग मत मतड़ा ना मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो सिचन बोलता है ब्रदर उसे संभालो अपने वाइफ को संभालो वरना कहीं उसे मार ना दे तो वांग जी बोलते हैं तुझे बड़ा चिंता हो रहा है उसकी तो सिचन बोलते हैं अरे ब्रदर बेचारी फालतू तो में मर जाएगी आपकी हस्बैंड जो है जेल में चले जाएंगे अच्छा लगता है क्या उसको रोक दीजिए ना तो वांग जी उसे घूर के देखता है फिर वो विंग के पास आता है बोलता है विंग बस करो चलो यहाँ से तबले जो सिचन है ना उसके फोन पे कॉल आता है और वो बोलते है, ब्रदर एलेस का कॉल आया है तो वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ से ना एक कड़क आवाज़ आती है कि क्या तुमने उसे बचाया तो वो हाँ कहता है फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि उसे फ़ोन दो तो वो ना फ़ोन दे देता है तभी ना विंग बोलते हैं कौन है तो वो बोलते हैं एलस एलेस तो विंग कंफ्यूज़ हो जाके कंफ्यूज हो के बोलते हैं एलस कौन एलेस फिर वो फ़ोन लेता है और बोलता है हेलो तब ले उधर से आवाज़ आता है मॉम क्या आप ठीक हो ये सुन के ना वी कंफ्यूज फिर वो फोन नंबर देखता है फिर वो बोलता है I, yeah, uh, तुम तुम एलेस तो उधर से आवाज़ आता है सजुई का वो बोलता है मॉम ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा मैं मिस्टर लायन चैन का एक ऑनलाइन फ्रेंड हूँ तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं प्लीज़ मम हम मैं आपको ये सब बाद में समझा दूँगा तो वीम बोलते हैं मुझे अच्छे, सम, अच्छे से समझा सम मतलब अच्छे से मैं तुमसे बात करूँगा रुको आने दो घर मतलब ये चीज़ ना अपने मन में ही बोलता है फिर वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके बोलता है कि आईवन सॉरी सिजो ही बोलता है कि मम आप जल्दी आ जाओ आप सेफ ना तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है फिर ऐसे ही थोड़ा सा बात करके वो फ़ोन काट देता है फिर जो सीजन है वो बोलता है क्या आपने एलेस से बात किया क्या, क्या बोला उसने तो बोला कुछ नहीं बस इसी तरह तो वांग जी पूछता है कि तुम एलस को कैसे जानते हो तो विंग बोलता है बस इसी तरीके से तो वांग जी पूछता है क्या तुम उसके दोस्त हो तो विंग अपने मन में सोचता है मैं तो अपने बेटे का दोस्त भी हूँ और माँ भी हूँ तो हाँ तो वो भी हाँ बोल देता है बोलता हा, है कि हाँ हम दोस्त हैं बस इसी तरह तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा जलस हो जाता है फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं मतलब लो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस जगह से फिर विंग बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है तो वांग जी बोलता है नहीं तुम तो मेरे साथ मेरे घर चलोगे, तो विंग पूछता है कि मेरे बच्चे तो बोलता है वो सभी घर पर है, वो सॉफ्ट फिर वहाँ यहाँ से 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 शिफ्ट करके वांगजी के घर का दिखाई देता है वहाँ पे पांच बच्चे एक साथ बैठे हुए थे और विंग जो है ना वो सॉफ्ट फिर वो वाहन को दिखाया है तो वाहन बोलता है तुमने मुझे किस तुमने मुझसे कितनी बातें छुपाई है तो विंग ना एकदम चुप हो जाता है फिर वो ना सुजुई की तरफ देखता है बोलता है सजुई तुम तुम और तुम लोग यहाँ क्या करो है ना और सुजुई तुम ये क्या है ये सब एल तभी जो सजुई ना वो इशारे में चुप रहने के लिए बोल देता है तो विंग चुप हो जाता है फिर बोलते हैं चलो यहाँ से हमें अपने घर चलना चाहिए तो वाहन जी बोलते हैं क्यों ये तो तुम ही लोग का घर है और तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे तो विंग बोलता है नहीं हम घर जा रहे हैं चलो बच्चों तो वो सारे बच्चे हैं ना वो बोलते हैं कि मॉम प्लीज़ हमें डैड के साथ भी रहना है तो विंग बोलते हैं तुम्हें डैड चाहिए या मॉम तो जो सारे बच्चे ना वो उदास हो जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं फिर वो बोलते हैं कि मतलब उसमें से एक बच्चा जो कि सिजू है वो अपने चश्मे को ठीक करता है फिर वो बोलता है कि मॉम हमें मॉम भी चाहिए और डैड भी चाहिए हमें मॉम का भी प्यार चाहिए और डैड का भी प्यार चाहिए तो विंग ना नीचे जुट जाता है और अपने सारे बच्चों को हक करता है फिर बोलता है आई एम सॉरी बच्चों मैंने तुम्हारे सामने ये ऑप्शन रखा आई एम रियली सॉरी तुम सब यहाँ पे रह सकते हो अपने डैड के साथ मुझे पता है तुम लोग को अपने डैड की बहुत याद आती थी ना हाँ ये सभी तुम्हारे बच्चे हैं लानवांग वांग जी ऐसा बोलता है वांग जी की तरफ देख के फिर विंग मतलब वांग जी जो है ना वो बोलते हैं ओ oh माई गॉड पाँच बच्चे मेरे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो विंग बोलता है um, um, बस इसी तरह तो वांग जी बोलता है तुमने तुमने एक साथ पांच बच्चों को बर्थ दिया तो विंग हार में सही रहता है फिर वो बोलता है कि ये फर्स्ट uh, बच्चा है जिसका नाम है सुजुई ये सेकंड बच्चा है जिसका नाम है आयोन ये थर्ड बच्चा है जिसका नाम है जिजी और ये फोर्थ बच्चा है जिसका नाम है आयु और ये फिफ्थ बच्ची है मेरी बेटी है मेरी जिसका नाम है सी तो वहाँ जी अपना सर पकड़ लेता है फिर बोलता है एक साथ पांच बच्चे ओह माय गॉड फिर उसके बाद जो यहाँ से नेक्स्ट इंस दिखाते मतलब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है लॉयर के पास का सीन विंग जो कि एक पेपर पे साइन कर रहा था वो बोलता है कि थैंक यू सो मच आ, आ, मेरी सारी प्रॉपर्टी को मुझे वापस देने के लिए तो वो लॉयर बोलता है कि ये तो आपका ही है और इसमें मैं ही क्या करता हूँ क्या कर सकता हूँ ये आपका ही है तो विंग स्माइल करता है उसके बाद जो वाछी जो है ना बोलता है आप तो तुम काफ़ी अमीर हो गए हो अब तो तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है तो विंग स्माइल करता है अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन विंग और वांगजी कार में थे और वो लोग एक ऑफिस के सामने रुकते हैं और वांगजी पूछता है क्या तुम्हें सच में ये करना है तो विंग बोलता है हाँ बिकॉज मेरी जो मेरी जो ऑफिस है ना मेरा जो बिजनेस है ना उसे मुझे सही से चलाने नहीं आता है तो मुझे पहले ट्रेनिंग लेना है जो कि मैं तुम्हारे कंपनी में लेना चाहता हूँ तो वहाँ जी बोलता है ओके ठीक है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ठीक है तो क्या मैं चल के तुम्हें मतलब सबसे इंट्रोड्यूस तो वी बोलता है बिल्कुल नहीं मैं खुद के दम पे काम करना चाहता हूँ तो मैं अकेले जाऊँगा ऐसा बोल के वो चला जाता है फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में लान लान कॉपरेशन में जो विंग है ना विंग के साथ ही साथ एक और जो ओमेगा लेडी जो है ना वो एंट्री करती है और फिर उसके बाद सभी लोग समझ में आते हैं कि इसमें से जो ओमेगा लेडी है ना वो काफ़ी रिच है और विंग काफ़ी पुअर है ऐसा वो लोग को समझ में आता है और इधर जो वांगझी है ना वो उस टाइम पे आता है उस जगह पे और पूछता है कि सब चीज़ ठीक से काम चल रहा है ना तो वो लोग हाँ कहते हैं और उसके बाद ना विंग वांगझी जो है ना वो एक दिशा में देखता है वो एक्चुअली देखता तो विंग की तरफ है बट विंग के सामने वो लड़की बैठी थी मतलब खड़ी थी तो सब लोग को लगता है ना कि वांगजी मतलब बॉस और ये जो ओमेगा लड़की है ना जिसका नाम है लूसी वो दोनों का चक्कर चल रहा है सीक्रेट लव तो वांग जी के जाते ही सभी लोग मतलब उस ऑफिस मतलब उस ऑफिस के सभी जितने एम्प्लॉय है ना वो सी आ, लूसी का ना चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं उसका हर एक काम करने लगते हैं हर एक मतलब उसकी देख रेख करने लगते हैं उन लोग को लगता है कि बॉस के साथ इसका चक्कर चल रहा है तो बस पटाई लो इसे फिर काम खत्म तो उसके बाद जो विंग है ना वो अजीब नजर से दिखते कि ये सब क्या हो रहा है और इधर वो जो लूसी रह, रहती है ना जो वो भी काफ़ी ज़्यादा ताव में रहती है कि हाँ उसका चक्कर चल रहा है बॉस के साथ वो भी दिखाती है सो ऑफ करती है और वो विंग को काफ़ी ज़्यादा वर्क देती है रात रात भर जाकर विंग पार्ट टाइम उस जॉब को करता है काम को कंप्लीट करता है तभी ना एक मतलब प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट के, के लिए काम करना होता है तो विंग जो है ना वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में तो लूसी को मिला रहता है बट वो लूसी नहीं करती है वो विंग को दे देती है और बोलती है कि इसे कंप्लीट करना वो भी आज रात भर में जबकि उस प्रोजेक्ट को करीब एक हफ्ते में कंप्लीट करना था तो जो विंग है ना वो बोलता है कि मैं कैसे करूँगा वैसे भी ये काम तो, तो तुम्हारा है तो तुम करो ना मैं मुझे क्यों कह रही हो तो लूसी बोलती है तुम्हें पता नहीं कि मैं बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ हाँ मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूँगी तो विंग एक का ब्रो करके उठाता है और बोलता है तुम बॉस की गर्लफ्रेंड हो ऐसा बोल के नीचे से लेके ऊपर ऊपर से लेके नीचे विंग देखने लगता है तो जो वो लड़की है ना मतलब लूसी जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो हाँ तुम्हें शर्म नहीं आता अपने ही बॉस की गर्लफ्रेंड पे ऐसे नज़र डालने के लिए ऐसे घूर घूर के देख रहे हो और वैसे भी तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी बिकॉज मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हें ये सारी काम करनी है तो विंग ना एक शायर करता है फिर उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो वो उस काम को करना स्टार्ट कर देता है रात दिन एक लगा के उस काम को कंप्लीट करता है और फिर बाद में जो मतलब रात को जब वो काम कर रहा था ना तो वहाँ देख लेता है कि विंग अभी भी ऑफिस में है वो वर्क कर रहा है तो उसको लेकर के घर मतलब उसको देखता है वो पूछता है कि क्या कर रहे हो तो वो बोलता है कि उसका वर्क थोड़ा सा बचा है तुम जाओ वो आ जाएगा तो वांची नहीं जाता है थोड़ी देर बाद वीन जो है ना वहीं पे सो जाता है और वांची उसके सारे वर्क को कंप्लीट करता है और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे को हो मतलब वो सो के उठता है तो उसके बाद वो देखता है कि उसका सारा वर्क कंप्लीट है तो वो ना जाता है ये फाइल को प्रिंट कर देता है हर एक चीज़ को प्रिंट कर देता है उसके बाद वो फाइल ले करके जा रहा था वहाँ के मतलब मैनेजर को देने के लिए तो वो लूसी ले, ले लेती है और वो मैनेजर को दे देती है और बोल अपना सारा मतलब उसका सारा क्रेडिट खुद को दे देती है बोलते कि ये सारा वर्क उसने कंप्लीट किया है और मैनेजर को जो कि पता रहता है कि ये जो है उस लाल की बॉस है मतलब क्या बोलते हैं लाल जी की गर्लफ्रेंड है ओमेगा है तो इसीलिए वो भी ना वो हाँ कर देता है विंग कितना बोलता है कि इसने मैंने कंप्लीट किया है रात दिन एक करके मेहनत करके मैंने कंप्लीट किया है आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हो तो लूसी है ना वो बोलते तुम चुप रहो समझ में आया कि नहीं फिर तभी ना वहाँ पे मतलब वन आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है तो ना लूसी काफ़ी शर्माने लगती है इधर जो मैनेजर है ना वो बोलता है कि ये लीजिए बॉस ये आपकी गर्लफ्रेंड ने कंप्लीट कर लिया है इस फाइल को तो वहां जी ना कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कौन सी गर्लफ्रेंड तो वो ना उस फाइल को देखता है और बोलते हैं किसने कंप्लीट किया है ये तो वो सभी लूसी की तरफ पॉइंट करते हैं बोलते हैं कि ये आपकी गर्लफ्रेंड ने कंप्लीट किया है ये है आपकी गर्लफ्रेंड ना तो वहां जी ना अजीब सा मुंह बना लेता है बहुत ज़्यादा पोकर फेस बना लेता है फिर वो उसको बोल उसके पास जाता है बोलते हैं ये तुमने कम्प्लीट किया तो वो हाँ मैं सही लाती है और फिर ना मतलब ये सब कांड जो है ना मीटिंग रूम में आ होता है तो विंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है मीटिंग रूम में और वो जब ख़ुद को क्रेडिट दे रही थी ना तो उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा उससे वो सैड भी था तो वाजी जो है ना उस फाइल को पटकता है फिर वो बोलता है रात भर मेहनत करके वंग ने इस सारे वर्क को कंप्लीट किया है और तुम खुद को क्रेडिट क्रेडिट दे रही हो हाँ तुम्हें शर्म नहीं आता और ख़ुद को तुम मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहे हो तुम्हें आग, तुम्हारे औकात भी क्या है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने की उसे बहुत बुरा भला बोलता है फिर वो विंग के पास जाता है विंग को कमर से पकड़ता है फिर वो बोलता है ये मेरा ओमेगा है समझ में आया कि नहीं वे वो शान मेरा वाइफ है और तुम लोगों ने इसे बोली करने की कोशिश की और तुमने लूसी को वो पॉइंट करता है फिर वो बोलता है तुमने तुमने मेरी वाइफ का काम चुराने की कोशिश किया उसे बुली किया तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं हाँ तो मैं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं और उसे सस्पेंड कर देता है और उसे जॉब से निकाल देता है और फिर विंग को वो हक कर लेता है प्यार से वो सारे ऑफिस के लोग भी देख के शॉक थे और ये सब कांड हो गया यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है घर का सीन जहाँ पे सभी बच्चे एक साथ बेड पे लेटे हुए थे और विंग जो है ना वो उन सभी बच्चों को देख रहा था उनके बीच में ही वांगजी भी लेटा हुआ था और सभी लोग जिद कर रहे थे कि उन्हें आज डैडी से मतलब डैडी के पास सोना है और साथ ही साथ डैडी से स्टोरी सुनना है तो वो लोग भी हाँ कह मतलब वांगजी भी कह देता है तो जो सिजुए है ना वो बोलता है कि मम्मी आप भी आइए हमारे साथ तो वो भी सो जाता है मतलब वहाँ पे लेट ही जाता है फिर वन जी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता कर देता है और वान जी जब स्टोरी सुनाता है ना तो सारे बच्चे के साथ साथ विंग भी सो जाता है फिर वन जी देखता है कि सब लोग सो गए हैं फिर वो विंग के फॉरड पर किस करता है फिर वो बोलता है तुम कितना सफ़र किया अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें सफ़र करने नहीं दूँगा ऐसा बोल के उसे हक करके वो भी सो जाता है अभी यहाँ से सीन सेट करके हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वे कॉपरेशन का जहाँ पे शेयर होल्डर का मीटिंग था वहाँ पे विंग एंट्री करता है और बोलता है आज से मैं इस कंपनी का सीईओ ई ओ हूँ मैं कुछ टाइम तक मैं लैंड कॉपरेशन में जॉब मतलब ट्रेनिंग ले रही थी कि कैसे क्या करना है बट आगे से मैं संभालूंगी इस ऑफिस को उसके बाद से विंग ही वे कॉपरेशन को संभालना स्टार्ट कर देता है काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यू न्यू स्टार्ट किया था इसीलिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है बट वो संभालता है हर एक चीज़ को समझता है और हर एक मीटिंग्स को संभालता है फिर वो घर जाता है घर जाने के बाद वो काफ़ी थका रहता है मतलब वो ऑफ़िस में काम करता है फिर ऑफिस से घर आता है घर पे बच्चों बच्चों को संभालना वो काफ़ी ज़्यादा थका रहा, थका थका हो जाता है रिसेंटली तो वन जी जो है ना एक दिन वो उसे आ, मतलब वो ना फ्रेश होके निकला रहता है रूम से और भी जो कि थका हालत में घर आया रहता है वो बोलता है कि आ, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ फिर वो बेड पे बैठता है तभी उसकी नजर जाती है वांगजी पे और वांगजी को देखती ना वो गल्प करता है और वांगजी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टॉवल में था और एक टॉवल से अपना हेयर को पोच रहा था मतलब हेयर को ड्राई कर, कर रहा था ड्राई कर रहा था तो विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है ये चीज़ देख के फिर वो अपने सर को मुड़ा मतलब दूसरी तरफ कर लेता है और वांग जी जो है ना वो उसके पास जाता है और फिर बोलते हैं क्या हुआ क्या तुम सरमा रहे हो तो विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लस करने लगता है उसका ईयर्स रेड हो जाता है उसका चिक्स रेड हो जाता है और फिर बोलते कौन 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 सरमा रहा है हाँ मैं मैं नहीं सरमा रहा हूँ तो विंग वांग जी बोलते हैं ओ oh रियली really? ऐसा बोल के वो धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा था तो विंग बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो हाँ बच्चे आ जाएंगे तो तु, तुम दूर हटो मुझसे तो वन जी बोलते है, बिल्कुल नहीं मैं तो बिल्कुल भी दूर नहीं हटूँगा फिर विंग बोलते हैं तो तु, तुम क्या कर रहे हो हटो ना हटो तो वान जी जो है ना वो धीरे धीरे क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है और यहाँ पे विंग भी जो है ना वो पहले तो रिजेक्ट करता है उसे बट फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पे एक बार और उन लोग का लव होता है उसके बाद यहाँ से सिम शिफ्ट करके नेक्सिन दिखाया जाता है हमें जो विंग वांगजी साथ ही साथ उनके सभी बच्चे और वहाँ पे लैन और उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी और लहन भी वहाँ पे बैठे हुए थे और उसके ग्रैंड और उसके ग्रैंड पा यानी कि लैन बोलते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो तो वांग विंग बोलते हैं क्या इतनी जल्दी शादी तो वांगजी बोलते हैं इतनी जल्दी क्या पाँच साल हो गए हमारे पाँच बच्चे भी हो गए हैं तो मतलब ये मन में सोच रहा था वहां जी और सिचन तो ये बोल भी देता है कि ब्रदर इन लो इतनी जल्दी कहाँ है पांच साल हो गए आपके आ, ये बेबीज को वो भी पांच साल में पांच बच्चा I mean, आई मीन एक बार में ही बच्चे मतलब गगा आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एक बार में ही पांच बच्चे मान गए आपको आपने लान खानदान का नाम रोशन कर दिया तो लान खन बोलते बच्चा किसका है नफू किसका है <laughs> तो सॉरी तो सब लोग हंसने लगते हैं और इधर भी शर्मा जाता है और वांजी भी शर्मा जाता है उसके सारे बच्चे बोलते हैं ये मैं मम्मी डैडी का शादी देखूंगा हम लोग मतलब हम लोग देखेंगे अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है जो एक दिन जो लेंसी जो रहती है ना वो स्कूल से आ रही थी तभी ना उसको कुछ लोग ना कुछ लोग जो है ना वो किडनैप कर लेते हैं और कुछ देर बाद और वांगजी को भी ये पता चलता है कि लेंसी नहीं मिल रही है वो गायब हो गई है तो विंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो वांग जी से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ लानजान प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दो वो मेरी बेटी को ढूंढ दो प्लीज सॉरी गाइस तो वहां जी बोलते हैं तुम शांत हो जाओ मैं ढूंढ रहा हूँ फिर कुछ लोग मतलब ट्रैक करते हैं सॉन्ग को वे सॉन्ग को ट्रैक करते हैं उसकी मदर को ट्रैक करते हैं और लेंसी के पास एक वॉच था जिसमें एक ट्रैकर लगा होता है मतलब वो पांचों बच्चों के घड़ी में ट्रैकर था ही था तो उसको भी ट्रैक करते हैं तब उन लोग को पता एक जगह का मतलब पता चलता है तो विंग और वन जी वहाँ पर जाते हैं पुलिस को लेकर के तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो सॉन्ग रहती है ना वे सॉन्ग जो रहती है ना वो मतलब लैंसी को मार रही थी और बोल रही थी तुम्हारे वजह से तुम्हारी मॉम की वजह से मैं 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 आज बेघर हो गई हूँ उसकी मॉम भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी जब वो देखती है कि विंग और वान जी वहाँ पे आ रहे थे तो वो ना चाकू रख देती लेंसी के गले पे और वो बोलते हैं कि हमें वन ला वन लैख पैसा चाहिए तभी मैं इसको छोड़ूँगा तो वान जी बोलता है कि हाँ मैं दे दूँगा पर पहले इसे दूर रहो इसे छोड़ दो इस, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है इसे छोड़ दो तो वो नहीं मानते और वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे फोर्स कर रहे थे तभी ना पीछे से ना पुलिस आता है और वो एक सूट करता है गोरी देता है और वहाँ पे ही वे सॉन्ग की मोम का डेथ हो जाता है उसके बाद उस वे सॉन्ग जो है ना वो बोलते हैं कि मैंने हमने मिलके तुम्हारे जो मोम है उसको मार दिया और तुम 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 लोग ऐसा कर रहे हो अच्छा हुआ कि मैंने और मेरी मोम ने मिलके तुम्हारी मोम को मार दिया मतलब वहाँ पे सारा अच्छा सच्चाई उगल देती है वो लड़की कि उसने ही मारा था तुम्हारी मोम को मतलब विंग के मोम को और अभी उसके बेटी को भी मारने के पीछे रहती है तो विंग चाहता है मतलब बहुत गु़स्से में जाता है उसको एक छापड़ मारता है फिर वो उसके मतलब बेटी से दूर हो जाती है और इधर लेंसी को वो रिहा करने लगती है फिर जब वो जो है ना चाकू लेकर के विंग पे हमला करने जाता है तो वांगजी बीच में आ जाता है और वो चाकू वांगजी को लग जाता है तभी सारे पुलिस और बॉडी गार्ड्स मिलकर को पकड़ लेते हैं उसको जेल में डाल देता है उसी टाइम और वे कॉपरेशन मतलब मिस्टर वे भी जेल में चले जाते हैं बिकॉज उन्होंने भी साथ दिया था विंग के मॉम को मारने में इधर विंग जो है ना वो काफ़ी घबरा जाता है बिकॉज़ वांग जी को चाकू लग गया था तो उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है फिर बार डॉक्टर आते हैं ओ से बाहर वो बताते हैं कि मिस्टर रैन बिल्कुल ठीक है कुछ टाइम बाद उन्हें होश आ जाएगा बट कुछ देर बीत जाता है बट वांग जी को होश नहीं आता है तो विंग जो है ना वो काफ़ी डर जाता है फिर वो बोलता है कि प्लीज़ वांग जी होश में आ जाओ हम शादी करेंगे तुम चाहते नहीं क्या शादी करने के लिए प्लीज़ शादी करेंगे ना हम लोग तुम होस्ट में आ जाओ तो वांग जी बोलते हैं सच में शादी करोगे ना तो विंग ना एक स्माइल करता है और वो हाँ कर देता है और यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें आ, वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे विंग और वांग जी के साथ साथ चल रहे थे उनके सारे मतलब उनके पांचों बच्चों और फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मतलब रिंग जो है ना एक्सचेंज करते हैं फिर वहाँ पे वो वांगजी जो है ना वो वेंग के फॉरेड पे किस करता है और वहाँ पे वो लोग की मैडिंग कंप्लीट हो जाती है कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं विंग जो है ना वो आ, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था वो और जो वहाँ है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहा था वो पूछ रहा था कि विंग क्या हुआ है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ आते हैं और ग्रैंड पा आते हैं मिस्टर लैंड कुरन आता है और वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है तू तो वहाँ जी बोलता है कि विंग को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है उसे चक्कर आ रहा है तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि अरे ये सब सिम्टम्स है ऐसे हालत में ये सब आता ही है होता ही है विंग भी काफ़ी ज़्यादा ब्लस कर रहा था विंग भी बोलता है कि मैं मना कर रहा हूँ बट फिर भी मेरी बात ये सुन नहीं रहे तो वन जी बोलते हैं अरे कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हुआ तो इसलिए चलो साथ में तो विंग स्माइल करता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लस करने लगता है और इधर ग्रैंड जो है ना वो उसका सर पर मारती है और फिर बोलती है अरे बेवकूफ तो फिर से डैड बनने वाला है ये सुन के वांग जी सॉक्ट फिर बोलते क्या डैड तभी पीछे से सिंचन आता है और बोलते हैं हो माई गॉड गगा फर्स्ट टाइम में आपने फाइव बेबीज़ को बर्थ दिला दिया और सेकंड टाइम में आप कितने कराओगे ये सुन के ना सभी लोग जो जोर से हंसने लगता है और विंग तो शर्मा ही जाता है जैसे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि उसके सिस्टर या फिर ब्रदर आ रहे हैं और यहीं पे ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है गाइस ये स्टोरी आप लोग को कैसे लगी मुझे पता है बीच बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा अटकी हूँ नाम को लेकर के बिकॉज चाइनीज नाम चाइनीज़ नेम में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने जैसे तैसे ही पर एक्सप्लेन कर दिया है सो so गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगा है और बीच में मेरी वॉइस भी ख़राब हो गई थी <coughs> और uh, मुझे uh, मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गया बोलने में बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी बट आप लोग को स्टोरी लाइन्स कैसी लगी है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर ओके okay? सो so, अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे नेक्स्ट वन सॉट एफ मेरा शैन होगा सो आप लोग वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट फैन फिक्सन के फैन फिक्सन का ओके सो बाय गाइस टाटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा